नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साथी ने सवाल पूछा कि वो जंगल में जा रहे हैं, उसके पंप लगा हुआ है, उस पंप पे उसे पानी पिया और इतना अच्छा, इतना मीठा कि शायद आज तक ना पिया हो। यह ख्वाब इस बात की अलामत है कि अल्लाह इसको ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएंगे, हलाल रिज़्क जो इसके गुमान में भी नहीं होगा, और या ऐसा कोई ओहदा मनसब अता फरमाएंगे जिसका ये सोच भी नहीं सकता। ये पैगाम है उसके लिए कि अल्लाह की रहमत बरस रही है इसके लिए, और अल्लाह कोई फैसले कर चुका है इसके लिए अच्छाई के, भलाई के, और इसकी नस्लों में भलाई होगी। इसी तरह एक साथी ने सवाल पूछा कि बाजार ख्वाब पूछा कि बाजार में गया है, ख्वाब में जूते लिए लेकिन जूते तंग है, बड़ी मुश्किल से पहन कर जा रहा है, चला नहीं जा रहा। ये पैगाम है इस बात का कि अगर ये शादी शुदा है तो अहलिया इसको तंग करती होगी या तंग करेगी, और अगर शादीशुदा नहीं कुंवारा है तो जो अहलिया मिलेगी, निकाह होगा जहाँ पर, निकाह ऐसी जगह पर होगा जो इसको तिगनी का नाच नचाएगी इसकी बीवी। तो इसलिए अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, सदका दीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए ताकि ऐसी बीवी ना हो जो तिगनी का नाच नचाए, ऐसी ना हो जो तंग करे, परेशान करे, ऐसी हो जो अल्लाह के रसूल की याद दिलाए, जो अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी मनाए, जो पैगाम मोहब्बत वाली हो, मोहब्बत वाली हो, जो ज़्यादा बच्चे जनने वाली हो, मोहब्बत करने वाली हो, जो अल्लाह के रसूल की फरमाबरदार हो, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, साहिब अमाल बन जाएंगे, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी को छोड़ देंगे, तौबा कर लेंगे और साथ सदका करेंगे, अल्लाह से खूब मांगेंगे, यकीनन अल्लाह ऐसा रिश्ता अता करेंगे जो यकीनन खुशियों का ज़रिया होगा, खुशियों का, बरकतों का, भलाई का, अच्छाई का, और ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, सुकून से गुजरेगी, मज़े से गुजरेगी। अल्लाह मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को 100% मज़े की ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह नाफरमानी से महफूज़ फरमाए, बेबरकत और नहुसत और परेशानी से भी महफूज़ फरमाए।